दूसरा शेफ हम कैसा बना सकते हैं, अब हमें आइडिया हो गया कि हर चीज को राउंड कर देता है, मतलब जो भी चीज बनाएंगे उसको क्या करेगा ये राउंड करेगा। तो अब हमें जैसे सपोज टू बी और क्या चीज हो सकती है, अच्छा तो हम ऐसा करते हैं कि ये यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ से क्लिक करके ये हमने इस तरह का हाफ बना दिया इसको, और उसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लिया और यहाँ फिट्स पर जाके 3D में जाके और रिवॉल्व कर दिया। तो ये देखें इस तरह का शेप बन गया। मैं ज़रा टिन का शेप बनाना चाह रहा था, तो ये टिन का शेप बन गया। अब यहाँ पे क्लिक करके हमने टिन का शेप तो बना लिया, लेकिन इसको थोड़ा सा और लंबा कर देते हैं तो ये प्रॉपर एक टिन का फॉर्मेट ले लेगा। अच्छा अब इस पर कलर्स इफेक्ट के हवाले से भी हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन हैं कि इस तरह का मामला रहे, लेकिन अब ये जो टिन का शेप बना है इसके अंदर कुछ और भी इफेक्ट्स हैं। इसके अंदर अगर हम रिवॉल्व को ऑन करें तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे हमें जो कुछ और ऑप्शन नज़र आने वाले हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑफसेट के नीचे, ये सरफेस प्लास्टिक आ रहा है, मोर ऑप्शंस में चले जाते हैं और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा हमें ऑफसेट का। तो ऑफसेट का क्या हो रहा है, ये देखिए एक्सपैंड होता जा रहा है, जितना एक्सपैंड करेंगे ये उतना एक्सपैंड हो जाएगा और बीच से खाली है, ये बीच से क्या है ये खाली है। तो यहाँ से देखिए आप इसको जितना एक्सपेंड करना चाहते हैं उतना एक्सपेंड कर दें, लेकिन एक्सपेंड करेंगे तो ये बीच से खाली हो जाएगा, अगर एक्सपेंड नहीं करेंगे तो ऐसा रहेगा। हाँ अगर कोई रोल शो करना है कि भाई ये इस तरह का रोल है, इस तरह का शो करना है हमें कि बीच से ये खाली भी है, तो जैसे अक्सर टिश्यू पेपर का रोल जो इस तरह का आ रहा होता है हम उसको इस तरीके से शो ऑफ कर सकते हैं और ओवरऑल इसको इस तरह से छोटा करके भी दिखा सकते हैं। और अभी देखें एक बड़ी अच्छी चीज़ बन गई थी इसके ऊपर, ये मैंने छोटा कर दिया, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर मैं इसको इस तरह से अपोजिट कर दूंगा तो ये देखिए इस तरह का एक रोलर बन जाएगा, देख रहे हैं? अक्सर आपने ऐसे बंडल देखे होंगे, रील्स आती थी पहले कपड़े सीने की इस तरह की, और अक्सर वायर के बंडल या पाइप के बंडल कुछ इस तरह के होते हैं। अब ये शेप कैसे निकल कर आया, देखें जब मैंने इसको इस तरह से रिवर्स किया, यानी कि इसका शेप उस तरफ और उसका शेप इस तरफ, तो फिर ये इस तरह का शेप बन के आया, ठीक है ना। यानी कि अभी तो ये सीधा था तो मैं इसको ऐसे करके लेकर गया, ये इससे उल्टा हो गया तो ये इस तरह का शेप बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह का शेप भी आप इजीली इसमें निकाल सकते हैं, बस आपने उस गोल शेप को ऐसे अपोजिट किया, मतलब ऐसे करके उसको उल्टा कर दिया, तो यानी कि वो पहले ऐसे दिख रहा था अब वो ऐसे पलट गया तो वो फिर इस तरह से इसको रिवॉल्व करके दिखा रहा है। अगर आप इसको रिवॉल्व में दोबारा से एडिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास और ऑप्शंस हैं, जैसे कि इसका रिवॉल्व है, इसको अगर हम कम कर देंगे तो ये देखिए बिल्कुल दो पॉइंट रह गए। क्यों दो पॉइंट रह गए, क्योंकि हमने इसको लेफ्ट साइड पर रखा हुआ है और वो बन रहा राइट साइड से, अगर मैं इसको राइट साइड पर कर दूंगा तो ये दोबारा से रोल बन जाएगा, यानी कि वो शेप ऐसे था, मैंने उस शेप को उल्टा करके ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे डायरेक्शन लेफ्ट की थी तो वो सिर्फ ऊपर नीचे के दो पॉइंट दिखा रहा था, जब मैंने डायरेक्शन राइट की करी तो वो दोबारा से रोलर बना दिया उसने। तो यहाँ पे एडवांटेज ये है कि अगर डायरेक्शन लेफ्ट की रखें और ऑफसेट को बढ़ाएंगे तो देखिए फिर ये इस तरह का शेप आपका इजीली निकाल देगा। ठीक है, उसके बाद ये लाइटिंग इफेक्ट्स हैं। अब लाइट कहाँ से मारना चाह रहे हैं आप, यहाँ से दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे लाइटिंग इफेक्ट दिखाइए, आप थोड़ा और ऊपर ले आइए इसके ऊपर, इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं, थोड़ा ऊपर से लाइट दिखाना चाह रहे हैं, साइड से दिखाना चाह रहे हैं, ऊपर से दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करके भी लाइट्स इसको इस तरह से भी शो ऑफ कर सकते हैं। बड़ा इसके अंदर काम है इस चीज़ के हवाले से। अब इसको लिटा के दिखाना है तो ये बॉक्स आपको दिया गया है समझाने के लिए कि देखो अभी इस डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है, आप इस बॉक्स को चेंज करें तो इसकी डायरेक्शन भी ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगी। ओके, और इसको ओके कर दें तो ये देखें इस तरह से बन के आपके सामने लेटा हुआ दिखाई दे रहा है, और रिवॉल्व पे क्लिक करके दोबारा से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास ये भी हमने करके देख लिया, लेफ्ट एज भी देख लिया, ऑफ साइड भी देख लिया, अब खाली वायर फ्रेम में देखना है हमें, मतलब इसको वायर फ्रेम में देखना चाहते हैं तो ये वायर फ्रेम में दिखाई देगा, नो शेड्स में दिखाएंगे तो बगैर शेड के दिखाई देगा, डिफ्यूजन शेडिंग में दिखाएंगे तो डिफ्यूजन शेडिंग में दिखाएगा, और प्लास्टिक शेड में दिखाएंगे तो ये प्लास्टिक के शेड की तरह आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से